हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन में पट्टा बरोटी वाला सड़क पर एक HRTC बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। बस जोहरजी साहिब से नालागढ़ की ओर जा रही थी, अचानक बस का संतुलन बिगड़ गया और बस खाई में जा गिरी। बस सवारियों से भरी हुई थी व कई लोगों के घायल होने की सूचना मिली है। प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। यह दुर्घटना सुबह 7 बजे के आसपास घटी है। बताया जा रहा है कि बस में 15 सवारियां सवार थी। आसपास रहने वाले के लोग भी घायलों को निकालने में जुट गए हैं। पुलिस थाना बरोटीवाला के अंतर्गत हरिपुर पट्टा मार्ग पर थेरपुरा के पास यह हादसा हुआ है। हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन में पट्टा बरोटीवाला सड़क पर एक HRTC बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। बस जोहरजी साहिब से नालागढ़ की ओर जा रही थी, अचानक बस का संतुलन बिगड़ गया और बस खाई में जा गिरी। बस सवारियों से भरी हुई थी व कई लोगों के घायल होने की सूचना मिली है। प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। यह दुर्घटना सुबह 7 बजे के आसपास घटी है। बताया जा रहा है कि बस में 15 सवारियां सवार थी। आसपास रहने वाले के लोग भी घायलों को निकालने में जुट गए हैं। पुलिस थाना बरोटीवाला के अंतर्गत हरिपुर पट्टा मार्ग पर थेरपुरा के पास यह हादसा हुआ है। हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन में पट्टा बरोटीवाला सड़क पर एक HRTC बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। बस जोहरजी साहिब से नालागढ़ की ओर जा रही थी, अचानक बस का संतुलन बिगड़ गया और बस खाई में जा गिरी। बस सवारियों से भरी हुई थी व कई लोगों के घायल होने की सूचना मिली है। प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। यह दुर्घटना सुबह 7 बजे के आसपास घटी है। बताया जा रहा है कि बस में 15 सवारियां सवार थी। आसपास रहने वाले के लोग भी घायलों को निकालने में जुट गए हैं। पुलिस थाना बरोटीवाला के अंतर्गत हरिपुर पट्टा मार्ग पर थेरपुरा के पास यह हादसा हुआ है। हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन में पट्टा बरोटीवाला सड़क पर एक HRTC बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। बस जोहरजी साहिब से नालागढ़ की ओर जा रही थी, अचानक बस का संतुलन बिगड़ गया और बस खाई में जा गिरी। बस सवारियों से भरी हुई थी व कई लोगों के घायल होने की सूचना मिली है। प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। यह दुर्घटना सुबह 7 बजे के आसपास घटी है। बताया जा रहा है कि बस में 15 सवारियां सवार थी। आसपास रहने वाले के लोग भी घायलों को निकालने में जुट गए हैं। पुलिस थाना बरोटीवाला के अंतर्गत हरिपुर पट्टा मार्ग पर थेरपुरा के पास यह हादसा हुआ है। हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन में पट्टा बरोटीवाला सड़क पर एक HRTC बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। बस जोहरजी साहिब से नालागढ़ की ओर जा रही थी, अचानक बस का संतुलन बिगड़ गया और बस खाई में जा गिरी। बस सवारियों से भरी हुई थी व कई लोगों के घायल होने की सूचना मिली है। प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। यह दुर्घटना सुबह 7 बजे के आसपास घटी है। बताया जा रहा है कि बस में 15 सवारियां सवार थी। आसपास रहने वाले के लोग भी घायलों को निकालने में जुट गए हैं। पुलिस थाना बरोटीवाला के अंतर्गत हरिपुर पट्टा मार्ग पर थेरपुरा के पास यह हादसा हुआ है। हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन में पट्टा बरोटीवाला सड़क पर एक HRTC बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। बस जोहरजी साहिब से नालागढ़ की ओर जा रही थी, अचानक बस का संतुलन बिगड़ गया और बस खाई में जा गिरी। बस सवारियों से भरी हुई थी व कई लोगों के घायल होने की सूचना मिली है। प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। यह दुर्घटना सुबह 7 बजे के आसपास घटी है। बताया जा रहा है कि बस में 15 सवारियां सवार थी। आसपास रहने वाले के लोग भी घायलों को निकालने में जुट गए हैं। पुलिस थाना बरोटीवाला के अंतर्गत हरिपुर पट्टा मार्ग पर थेरपुरा के पास यह हादसा हुआ है। जो बस एक्सीडेंट के अभी तक हमारे पास 15 केसेस आए हैं जो हमारे पास वार्ड में पहुंच गए हैं। कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हैं, कुछ को साधारण चोटें लगी हैं। एक पेशेंट को हमने यहां से PGI के लिए रेफर किया है, बाकी लोगों को हम यही ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उनके टेस्ट किए जा रहे हैं। टेस्ट करके जो कुछ भी लगेगा, जिनका यहाँ इलाज हो सकता है वो उनका यहाँ इलाज होगा। और ठीक है, कोई ऐसा पेशेंट बहुत ज़्यादा सीरियस वाले पेशेंट एक तो होंगे, पर उससे ज़्यादा नहीं है।